बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, ज़फ़र इकबाल एस्पायर रियल एस्टेट के प्लेटफॉर्म से हाजिर कर दूँ आपके साथ। मैं इससे पहले भी अपनी नई संवाद के डिफरेंट हाउसिंग प्रोजेक्ट शेयर करता रहा हूँ, और जिसके अंदर डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और जिसके अंदर हाई राइज़ कमर्शियल भी हैं, हाई राइज़ रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स मैं आपके साथ शेयर करता रहा हूँ। मेरी हमेशा कोशिश यही है कि आपके साथ मैं वो अलग प्रोजेक्ट शेयर करूँ जिनकी कोई मार्केट वैल्यू भी है, अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वेल नोन प्रोजेक्ट्स हैं, वो भी शेयर करूँ। उस टाइम उन प्रोजेक्ट की वजह से जो करंट इन्फॉर्मेशन चाहती होती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, ताकि आपको ये डिसीजन लेना आसान हो। आज भी मैं आपके साथ एक बड़ा जबरदस्त प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट राउंडी के अंदर है और F18 यानी फैसल टाउन के अंदर प्रोजेक्ट बन रहा है और हाई रेस कमर्शियल प्रोजेक्ट है, ये हाई रेस कमर्शियल रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट है। इसके वजह से मैं ऑलरेडी दो वीडियो छोटी छोटी सी अपलोड कर चुका हूँ जिसके अंदर उसकी बेसिक इन्फो दी गई थी, लेकिन आज मैं उसका एक डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उस पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब का बटन है इसको दबा दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी आने वाली फॉर्म वीडियोज आप तक इन टाइम पहुँच सके। तो नाज़रीन, जो प्रोजेक्ट आज आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ ये ट्विन सिटी टावर्स है। ट्विन सिटी टावर्स RDA से हाईएस्ट अप्रूव प्रोजेक्ट है। ये 27 स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, इसमें 3 बेसमेंट्स बन रही है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, लोअर ग्राउंड है, और उससे ऊपर फर्स्ट फ्लोर से 21st फ्लोर तक ये अप्रूव प्रोजेक्ट है। ये इसका मैं आपको एक जो NOC है वो भी शॉर्ट सा दिखा देता हूँ। इसकी जो RDA से NOC अप्रूवल है वो आप देख सकते हैं इसमें, ये इसकी सेंक्शन है जो इसकी अप्रूवल है, ट्विन सिटी की जो अप्रूवल है वो आप देख सकते हैं ये सारी। और इसी तरह से आप ये देखेंगे ये 3 बेसमेंट्स हैं, लोअर ग्राउंड है, ग्राउंड है, और फर्स्ट 21st फ्लोर तक ये अप्रूव प्रोजेक्ट है। ये इसका जो टोटल एरिया है 10.5 कनाल राउंड ऑफ हुए 53,000 स्क्वेयर फीट के ऊपर ये फैला हुआ प्रोजेक्ट है ये। और ये जो बिल्डिंग है ये अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हो गई। इसी तरह से इसके अंदर बेसिकली 3 टावर्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें से एक प्रोविडेंस टावर है, फिर रेजिडेंशियल टावर है, और ग्रैंडियर टावर है। ये 3 टावर्स हैं और इन तीनों टावर्स की रिसेप्शन अलग होंगी, इनकी एंट्रेंस अलग होगी, इनके अंदर जो लिफ्ट्स हैं वो अलग अलग तीनों टावर्स के अंदर हैं। और ये प्रोजेक्ट अवेस्को बिल्डर्स और ताबीर बिल्डर्स जॉइंट वेंचर से ये बना रहे हैं। अवेस्को बिल्डर्स का अगर मैं आपको इससे पहले बैकग्राउंड थोड़ा सा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो जरा देख लीजिए। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर प्रोजेक्ट देख रहे हैं ये अवेस्को बिल्डर्स ऑलरेडी कंप्लीट करके डिलीवर कर चुका है ये सारे, वो आप लिस्ट देख रहे हैं ये सारी। और इसी तरह से ये इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, और आप देख सकते हैं इसमें कि अवेस्को बिल्डर्स ऑलरेडी गुलबर्ग ग्रीन्स के अंदर, PWD के अंदर, मल्टी गार्डन के अंदर, और बैरियर टाउन के अंदर, स्वाहा में ये डिफरेंट प्रोजेक्ट्स ये ऑलरेडी कम्प्लीट कर चुका है या ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं। ये अच्छा बिल्डर है, ये अपने टाइम के ऊपर प्रोजेक्ट को डिलीवर करने के वाले से मशहूर है ये। और एक खास बात जो अक्सर मैंने प्रोजेक्ट्स के अंदर देखी है कि कई दफ़ा जिस वक्त एक प्रोजेक्ट चल रहा होता है उसके ऊपर लोगों की इन्वेस्टमेंट को आई जा रही है, तो बिल्डर्स क्या करते हैं, पैसा इधर से निकालते हैं, किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स में डालना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद जो मेन जिस प्रोजेक्ट के लिए वो इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो प्रोजेक्ट लटका रहता है, और जो बाकी मुख्य कामों के अंदर अपने पैसे इन्वेस्ट करते रहते हैं। लेकिन वेस्को बिल्डर्स जिस प्रोजेक्ट के लिए ये बुकिंग कर रहा होता है या जो प्रोजेक्ट ऑन गोइंग है उसके वजह से जो पेमेंट आती है उसी प्रोजेक्ट के नाम पे उसका अकाउंट बना के पैसा उसी में आ रहा होता है, और वो पैसा कहीं और किसी जगह पे लीकेज नहीं करते, उस पैसे को उसी पर्पस के लिए यूज कर रहे होते हैं, और इसीलिए इनके प्रोजेक्ट्स टाइमली डिलीवर हो रहे हैं और उसमें डिले नहीं आ रहा होता। इस प्रोजेक्ट के अंदर 4 फ्लोर शॉपिंग मॉल के लिए हैं इसके अंदर, और उससे ऊपर वाले सारे फ्लोर जो हैं इसके रेजिडेंशियल हैं, और इसके अंदर नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स ये लेके आ रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए ये आइडियल प्लेस होगी, चूंकि जो इसकी एक्सेस है जिस जगह भी वाकई है वहाँ पे किसी भी जगह से पाकिस्तान में वहाँ पे आना पहुँचना बहुत आसान है। उसके ऊपर मैं आगे चल के बात करता हूँ इसकी लोकेशन। अगर इस प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो इस प्रोजेक्ट के अंदर 3 बेसमेंट्स बनी हुई है जो स्पेशली डेडिकेटेड है कार पार्किंग के लिए, और इसके जो 4 फ्लोर है वो कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए है। ट्विन सिटी टावर में एक्सपेक्टेड है नेशनल ब्रांड्स के आउटलेट्स होंगे, इसमें स्विमिंग पूल्स होंगे, बॉलिंग अलाय होंगे, किड्स प्ले एरिया होंगे, बारबेक्यू एरिया, टेरेस गार्डन्स, हेल्थ केयर फिटनेस क्लब होंगे, जिम होगा, स्वाना स्पा, मॉस लॉन्ड्री एरिया, कम्युनिटी हॉल, मीडिया रूम, डेडिकेटेड फूड कोर्ट, 24/7 सिक्योरिटी इसके अंदर प्रोवाइड की जाएगी। सेकंड फ्लोर ऑनवर्ड यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट्स होंगे, स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, 1-3 बेड अपार्टमेंट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स इसके अंदर होंगे। आप इसके अंदर जस्ट 30% से आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं इसके अंदर।
लोकेशन किसी भी प्रोजेक्ट के लिए बहुत अहमियत रखती है, और जो ट्विन सिटी टावर है इसकी लोकेशन बड़ी आउट क्लास है। ट्विन सिटी टावर फैसल टाउन के अंदर बन रहा है, फैसल टाउन एक बहुत ही खूबसूरत टाउन बिल्ड किया गया और इसके अंदर रोड्स गलियां बड़ी जबरदस्त खुली गलियां हैं, बिजली गैस पानी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज इसके अंदर मौजूद हैं। अगर आप मोटरवे से आते हैं, जैसे ही आप फतेहजंग इंटरचेंज से आउट होते हैं तो जस्ट 2 मिनट की ड्राइव के ऊपर फैसल टाउन आ जाता है जहाँ पे ये प्रोजेक्ट वाकई है। एयरपोर्ट से ये 7 से 8 मिनट की ड्राइव के ऊपर है, 0 पॉइंट से ये कोई 20 मिनट की ड्राइव के ऊपर है और श्रीनगर हाईवे के बिल्कुल साथ ये अटैच्ड है। और अभी एक मंसूबे पे काम भी हो रहा है कि श्रीनगर हाईवे के ऊपर एक इंटरचेंज बनने जा रहा है जो डायरेक्टली कनेक्ट करेगा फैसल टाउन को, श्रीनगर हाईवे से कनेक्ट करेगा। तो जब वो बन जाएगा तो आपकी एक्सेस श्रीनगर हाईवे के ऊपर भी आ जाएगी। ट्विन सिटी टावर की ये जो मैं प्राइसिंग चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें अगर आप ये देखिए कि 31 दिसंबर 2021 तक ये वैलिड है और उसके बाद ये इसकी प्राइसिंग को रिवाइज भी करने जा रहे हैं, तो अभी आपके पास चांस है कि आप इससे फायदा उठा सकते हैं। इस वक्त इनकी प्राइसेस बहुत मुनासिब है। मैं आपके साथ शेयर करता हूँ ये सारी फैसिलिटीज जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटरटेनमेंट सिनेमा स्क्रीन है, टेम्परेचर कंट्रोल पूल इसके अंदर होंगे, 24/7 सिक्योरिटी का इंतजाम है और साथ इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी इसके अंदर मौजूद है। हाई स्पीड एलिवेटर्स होंगे इसके अंदर, लग्जरी शॉपिंग एक्सपीरियंस आप कर सकेंगे यहाँ पे, हाई क्लास जिम इसके अंदर होगा, 24/7 मेंटेनेंस की सर्विसेज यहाँ पे अवेलेबल होंगे आपके पास, और रेस्टोरेंट्स होंगे, फूड कोर्ट, स्पेशली एक बड़ा जबरदस्त का फूड कोर्ट बनाया जा रहा है। ये वाला जो है ये प्रोविडेंस टावर है, ये जो रेट्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये प्रोविडेंस टावर के 4th floor से 15th floor तक के रेट्स आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बड़े मुनासिब रेट्स हैं। आप डिफरेंट यूनिट्स की अगर प्राइस देख लीजिए, जैसे 1 से 8 यूनिट तक अगर प्राइस देखें, 735 square feet के जो 1-bed apartment है ये आपको 47,70,500 का आपको मिल रहा है। अगर ओवरऑल जस्ट मैं इसके रेट्स की बात करूँ तो ये 6,500 per square feet के हिसाब से आपको 4th floor से 15th floor तक के जो रेट्स हैं वो आपको इसके ऊपर मिल रही है। ऐसे 16th floor से लेकर 20th floor तक जो रेट्स है वो 7,500 per square feet के हिसाब से हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जो इसका 1 से 8 यूनिट तक 1 bed है वो जस्ट आपको 55 लाख रुपए के अंदर आपको मिल रहा है। तो मार्केट के अंदर इतने लो रेट्स के ऊपर कोई भी प्रोजेक्ट मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा, बहुत मुनासिब इसके रेट से। ये जो फ्रंट वाला टावर है ये इसका ग्रैंडियर टावर है और यहाँ पे जो रेट्स आप देख लीजिए कि ये 2 bed का जो अपार्टमेंट है 1,088 square feet का है और ये 1,14,26,100 रुपए का है। और यहाँ पे 2 bed भी है, 3 bed भी है और स्टूडियो अपार्टमेंट्स भी अवेलेबल हैं। और जो ग्रैंडियर टावर के ऊपर जो रेट्स चल रहे हैं वो 9,500 per square feet भी है और 10,500 per square feet भी, दो डिफरेंट रेट्स इसके अंदर चल रही है, डिफरेंट फ्लोर के ऊपर डिफरेंट रेट्स चल रहे हैं इसमें। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ ये 4th floor के जो रेट्स हैं ये आप देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम और आगे जाते हैं ये फ्लोर के ऊपर आप देखिए, ये इसका लेआउट प्लान मैं आपको दिखा रहा हूँ, साथ ही जो है इसके ऊपर 5th floor के ऊपर जो रेट्स हैं वो भी आप एक नजर यहाँ पे देख सकते हैं। तो ऐसे ये 6th floor का जो आप प्लान देख सकते हैं, ये जो फ्लोर प्लान है ये 6th floor के जो आप पेमेंट प्लान देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिफरेंट फ्लोर्स हैं यहाँ पे 1 bed 2 bed और स्टूडियो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर हम 7th floor के ऊपर जाएं और ये 7th floor के जो रेट्स आप देख रहे हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास 1 bed 2 bed और स्टूडियो अपार्टमेंट्स की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसी तरह से अगर हम जाएं 8th floor के ऊपर ये इसका फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं और साथ ही 8th floor के ऊपर जो अवेलेबिलिटी अगर हम देखें तो 2 bed है और स्टूडियो अपार्टमेंट्स है, इनके रेट्स भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। और 9th floor जो है अगर आप इसे देखें तो ये इसका फ्लोर प्लान है। इसी तरह से 9th floor का जो पेमेंट प्लान है अगर आप देखें यहाँ पे 1 bed 2 bed और स्टूडियो अपार्टमेंट्स हैं, ये इनके रेट्स भी आप देख सकते हैं। और 10th floor से 14th floor तक अगर हम आपको शेयर करूँ तो ये उसके पेमेंट प्लान है और ये यहाँ पे 2 bed और स्टूडियो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। इसी तरह से अगर हम जाएं ये 15th floor से 17th floor तक अगर हम देखें तो यहाँ पे जो 2 bed और स्टूडियो अपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं उनके रेट्स आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रैंडियर टावर। अब हम बात करते हैं कमर्शियल्स की। तो ग्राउंड लेवल 1 जो है ये इसका आप फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं ये, और ग्राउंड लेवल 1 के ऊपर जो रेट्स हैं उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे। आप ये देखिए
कि ये क्लोथिंग और गारमेंट्स मार्केट होगी, ये सारी ग्राउंड लेवल वन के ऊपर जो रेट है वो है 30,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको शॉप बुक करवा सकते हैं यहाँ पे। इसी तरह ग्राउंड लेवल टू के ऊपर अगर हम बात करें, ये इसका फ्लोर प्लान है ग्राउंड लेवल टू की शॉप्स का। और ग्राउंड लेवल टू अगर हम देखें तो ये बुटीक एंड ब्रांडेड आउटलेट्स यहाँ पे होंगे और इनका फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं। ग्राउंड लेवल टू के ऊपर आप जो भी शॉप बुक करेंगे ये 35,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। ये इसका पेमेंट प्लान है कंप्लीट। ऐसे अपर ग्राउंड फ्लोर की अगर हम बात करें तो ज्वेलरी और कॉस्मेटिक्स की मार्केट हो गई। यहाँ अपर ग्राउंड के ऊपर जो रेट है वो 28,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप यहाँ पे अपनी शॉप बुक करवा सकेंगे। फर्स्ट फ्लोर जो है आपकी आईटी और मोबाइल मार्केट्स होंगी और यहाँ पे आप इसका फ्लोर प्लान आप देख सकते हैं ये सामने, ये इसका पेमेंट प्लान भी आप देख सकते हैं। और जो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप 20,000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से अपनी शॉप से बुक करवा सकते हैं। ट्विन सिटी टावर के अंदर मैंने जो रेट्स देखे हैं ये पूरे मार्केट के अंदर सबसे मुनासिब रेट लगे हैं। मैं हालांकि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जब शेयर कर रहा हूँ उनमें जो ट्विन सिटी टावर्स के रेट्स हैं ये सबसे ज्यादा मुनासिब हैं। अभी आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं, जस्ट 30% के ऊपर आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। और चूंकि मैं आपको ऑलरेडी ये चीज बता चुका हूँ कि ये जो रेट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये 31 दिसंबर तक वैलिड है। 31 दिसंबर के बाद ये रेट रिवाइज हो जाएंगे और इस वक्त ये प्री लॉन्च के या सॉफ्ट लॉन्च के जो रेट्स हैं ये वो हैं। आप इसके अंदर अभी बुक करवा के आप अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो नाज़रीन आज मैंने आपके साथ ट्विन सिटी टावर के हवाले से इन्फॉर्मेशन शेयर की इस प्रोजेक्ट के हवाले से। और भी कुछ अगर आप जानना चाहें, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देखना चाहें आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये नीचे फ्लैश कर रहा है, इसके ऊपर भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, आप इनमें से किसी भी नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगेन आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए। आप सब दोस्तों को इतने तसल्ली से देखने सुनने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।